यहाँ प्रदर्शित सभी सुंदर चित्रों को दुकानों से नहीं खरीदा गया है। ये कलाकृतियाँ एक दिव्यांग लड़की द्वारा बनाई गई है। हो सकता है किसी को इस पर विश्वास ना हो। लेकिन यह एकदम सच है। जी हाँ, यह लड़की खड़ी नहीं हो सकती। मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी के कारण उसने अपने पैरों को खो दिया है, लेकिन यह शारीरिक कमजोरी उनकी प्रतिभा के आड़े नहीं आ पाई। उन्होंने अपने हाथों से सुंदर चित्रों को उकेरा है। शिवमोगा जिले के होसलाई की रहने वाली मीना सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी पेंटिंग न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो गई है। मुझे अध्ययन में रुचि थी और मैंने कला व शिल्प के कार्यों में भी रुचि विकसित की। SSLC की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने शौकिया तौर पर कला और शिल्प को आगे बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि PU कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है। दोस्तों के सुझाव के बाद मैंने कला को पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में अपनाने का फैसला किया। मैंने मुंबई स्थित एक कंपनी से 1 साल का ऑनलाइन कोर्स किया है। और आर्ट मटेरियल्स ऑनलाइन क्लासेस ತಗಂತಾರೆ ಸೋ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು। वह अपनी शारीरिक बीमारी से नहीं डिगी और कला व शिल्प को एक शौक के रूप में अपना लिया। इस कलाकृति ने मीना की मदद की और उन्होंने पूर्णकालिक काम के रूप में पेंटिंग का कार्य शुरू किया है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। उन्होंने मुंबई की एक आर्ट एंड क्राफ्ट कंपनी से होम डेकोरेशन का ऑनलाइन कोर्स किया है। हम उसकी प्रतिभा से हैरान थे। उसने खुद ही कलाकारी सीखी है। सभी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कलाकारियों में उसकी वृद्धि देखकर हम बहुत खुश हैं। मैं उसकी मदद नहीं करती हूं, लेकिन हाँ, छोटे मोटे काम कर देती हूं। इसकी वजह उसकी मेहनत है जिससे वो बड़ी हो गई है। मीना ने आर्ट और क्राफ्ट में सुफसु आर्ट वर्क, डुकुपेज मिक्स्ड मीडिया, MDF, PET, सेरेमिक ग्लास पर काम किया है। उन्होंने सेरेमिक ग्लास तकनीक का उपयोग करके घर की सजावट का काम सीखा है। उन्होंने फर्नीचर पर भी कलाकारी का कार्य किया है। उसी कला के काम को समझाने में सिर्फ एक दिन लगता है। उसने अलग अलग तरह के हैंडवर्क किए हैं। वह कई वर्षों से कलाकारी कर रही है और वह कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। मीना की होल्डर, फोटो होल्डर, वॉल होल्डर, की बंच हैंगर, वॉच बॉक्स, बॉटल वर्क आदि पर आर्ट वर्क कर रही हैं। पहले वह अकेले ही यह कर रही थी, लेकिन अब वह अपने दोस्तों के साथ काम करती हैं। वह अपनी कला के काम के लिए विदेशों से पेंट का आयात करती हैं। उन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को दूर करते हुए कला के काम को चुनौती के रूप में लिया है और अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। वह दूसरों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।